हेलो दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी, चिकन कोरमा की रेसिपी। इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए मैंने लिया है 750 ग्राम चिकन और उसको अच्छे से धो लिया है। अब इसके बनाने के लिए हम लेंगे 1 टेबल स्पून धनिया, खड़ा धनिया लेंगे, आधा छोटी चम्मच खड़ा जीरा लेंगे और आधा छोटी चम्मच सौंफ लेंगे, यह 15-16 है, काले मिर्च के दाने हैं, 1 तेज़पत्ता लेंगे, 3 सूखी लाल मिर्च लेंगे, 1 बड़ी इलायची लेंगे, दालचीनी का टुकड़ा लेंगे छोटा सा, और ये 5 लौंग लेंगे। इन सारे खड़े मसाले को हम रोस्ट कर लेंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं इसको भूनना है, नहीं तो ये जल जाएंगे मसाले। जब ये फ्राई हो जाएंगे तब इसका हम पाउडर बना लेंगे। अब एक पैन चढ़ाएंगे या कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें सारे चिकन डाल करके इसको अच्छे से 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। दो तीन मिनट फ्राई करने के बाद, और ये खड़े एक प्याज है जो हमने ब्राउन कर लिया है, अब उसमें दही 200 ग्राम डाल करके इसको पीस लेंगे। 2-3 मिनट ये चिकन फ्राई हो जाने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे 3-4 मिनट के लिए, ताकि मेरा लहसुन का सारा स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छे से भुन जाए। 2-3 हरी मिर्च तोड़ करके इसमें डाल देंगे और ये जो पाउडर मैंने बनाया था इसमें से इसको डाल देंगे और थोड़ी से बचा लेंगे। दही और प्याज का जो पेस्ट मैंने बनाया था उसको भी डाल लेंगे और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को। ये 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, चिकन को अच्छे से मिला करके इसको ढक करके पकाएंगे। थोड़ा सा इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। काजू लिए हैं हमने 6-7, काजू को हम पेस्ट, काजू का पेस्ट बना लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। इसको मिला करके हम इसको चिकन के गलने, थोड़ा सा पानी भी मिला लेंगे और चिकन के गलने तक इसको हम पका लेंगे। ये चिकन बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट बनता है, इसको बनाना भी बहुत आसान है। इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए और बनाइए। इसमें जो मैंने, जब चिकन पक जाएगा तो जो मैंने सूखा मसाला बचा करके रखा था इसको इसमें ऐड करके मिक्स कर लेंगे और धनिया की पत्ती से सजा देंगे। आप इसको चाहे तो या भुना हुआ ही सूखा भी बना सकते हैं। अगर ग्रेवी रखना चाहे तो इसको पानी डाल करके ग्रेवी बना लें।